गुड मॉर्निंग जय नेपाल दशा में यी बेला में मर्यादित रोजगार को क्षेत्र नंबर 3 पर्ने दलित बस्ती में छु तब हेन सकूँ नगर प्रमुख रीना कुमारी शाह को पहल में मौलापुर नगरपालिका द्वारा निर्मित मर्यादपुर एकीकृत दलित बस्ती को समुद्घाटन नेकपा एमाले का महासचिव तथा निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शंकर पोखरेल जी को कर कमलबाट सुसंपन्न भयो। ईस्वी सम्वत 2078 साल माघ 11 रोज 7 मा शुभम यही बस्ती में छू हमी म दिखाई रहे यहाँ को दलित बस्ती को विशेष यहाँ ग्राउंड जीरो को लगी मैं रोजगार क्षेत्र नंबर 3 में आज हम भिजिट थी तीन में आईपुगे तब हेन सकूँ दलित बस्ती एकदम संपन्न यहाँ को मतलब एटा जनता ने निवास पाने एटा ठूल गौरव के विषय हो रहा ठूल एटा विस को कुछ हो क्यों हर एक क्षेत्र में घूमते एटा विस को मामला में हेने वाले कम समय में कम राजनीतिक जीवन में बड़ी विकास भएको क्षेत्र मैं रौतहट को क्षेत्र नंबर 3 मैं देखे रौतहट जिला थुप्रै मंत्री पाएको छ प्रधानमंत्री सम्म पनि पाएको छ तर क्षेत्र नंबर 3 में एउटा विकास को एउटा स्वरूप एउटा विकास को परिवर्तन देखिएको छ त्यसकै क्रममा म अहिले घुमिरहेको छु रौतहट को क्षेत्र नंबर 3 पर्ने मर्यादपुर बस्ती में छु अहिले हामी संपूर्ण देखाउँछु यहाँको बस्ती पूरे पक्की घर बनाइएको छ एकदम ठोस घर राम्रो छ मलाई यो त ठीक लागिरहेछ यो घर के माने बस्ती यहाँ को लागि यो दलित बस्ती दलित को लागि एउटा ठूलो नै उपलब्धि हो यो बस्ती बनाएर एउटा राम्रो विकास को एउटा नमूना देखिन्छ यो क्षेत्र नंबर 3 को यो नमूना यो बस्ती में मर्यादपुर को एकीकृत दलित बस्ती में एउटा राम्रो नै मैले देखिरहेछु यो ग्राउंड जीरो को रियलिटी तपाईलाई कस्तो लाग्यो फर्स्ट हामीलाई कमेन्ट र सुझाव